बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हमने अपने किचन में बनाया है सिंपल स्पंज केक विद इन 15 मिनट्स। सिर्फ 15 मिनट में तैयार होने वाला है स्पंज केक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए हमने दो अंडे लिए हैं, और इन दो अंडों को हमें अच्छे से बीट करना है। फिर हमने इसमें 1 कप आइसिंग शुगर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये आइसिंग शुगर इस पर मिक्स हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप हमने इस पर मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। देन हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। कॉर्नर्स पे जितना भी फ्लोर वगैरह लगा हुआ है उसको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1/2 कप मेल्टेड बटर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विथ सॉफ्ट हैंड हम बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। बिल्कुल सिंपल इजी ये रेसिपी है जो हर किसी के घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उससे ये रेसिपी बनाई गई है। इन सेकंड वर्ड हम इसे पॉकेट फ्रेंडली स्पंज केक भी कह सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला बैटर जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो ये हमारा बैटर रेडी है। आपके पास कोई भी केक मोल्ड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप इसमें बेक कर सकते हैं, बट मेरे पास ये पैन था सो मैंने पैन में जो है पहले बटर को ग्रीस किया है। अच्छे से इस पर बटर ग्रीस कर देंगे, देन हम इस पर बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर से भी हम थोड़े से बटर को ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा स्पंज जो हमारा केक है वो, अब हम केक के बैटर को पैन में डाल देंगे। इसका चूल्हा की मदद से अच्छे से हम सारे बटर को इसमें डाल देंगे। फिर हमने जो इसमें एयर बबल्स बन गए हैं उसे हमें रिमूव करना होगा, तो हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे। हमने पहले से ही एक पतीले में को जो है प्रीहीट करके रख दिया था और उस पर हमने अपने इस तरीके से, क्योंकि ये विदाउट ओवन केक बन रहा है, ये स्टोव पे केक बन रहा है, तो हमने बैटर को इसमें डाल देना है और देन हमने इसको ढक देना है। ये मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे, ना बिल्कुल हाई और ना बिल्कुल स्लो। आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं हमारा केक रेडी था। हमें केक को टेस्ट करना था केक रेडी है या नहीं, तो हमने हमारे पास टूथ पिक थी तो हमने टूथ पिक से हेल्प से हमने चेक किया है हमारा केक डन है। हमने इसको फ़ौरन से ही रिमूव नहीं करना, हमने पहले इसको ठंडा होने देना है, फिर हमने इसको पैन में से निकालना है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पंज बना है ये। थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए हमने इसमें ऊपर से आइसिंग शुगर ऐड करनी है और ये स्पेशली किड्स के लिए बना है, बच्चों के लिए बना है, तो इसमें चॉकलेट सिरप तो बनता था डालना डेकोरेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को सिंपल इस तरीके से तो नहीं अच्छा लगता, कुछ तो डेकोरेटेड करना पड़ता है बच्चों के लिए। सो मैंने इसमें ऐड कर दिया ये और हमारा सिंपल स्पंज केक रेडी है। चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और पीछे से आपको मेरे बच्चे की आवाज़ आई होगी, वो बैठे बैठे मेरी बच्चे से गेट करने लगे थे और वो बहुत ही एक्साइटेड थे फॉर दिस सिंपल केक। सो बच्चों की खुशी के लिए इतना तो बनता है। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी सिंपल रेसिपी के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।